అంటే మొదట సిబిఐ నమోదు చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించి అంశాలు పరిశీలించిందో వాటికి సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కానీ అలాగే ఆరోపణలకు సంబంధించిన సమాచారం కానీ వీటికి సంబంధించిన సమాచారం ఇవ్వాలంటే కూడా సిబిఐ कविता के ऊपर जिस आरोप लगाए कहां तक से देखिए, आज जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज जो बीजेपी सरकार जो कर रही है, जो नीति यहां भारत देश में अवलंब करने की कोशिश कर रही है, पूरी ढोगला नीति है। क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में, जो कर्नाटक में, जो दूसरे स्टेटों में जो हालात करने की कोशिश की है, आज वही तेलंगाना में यहाँ के सरकार को बीआरएस या केसीआर साहब की सरकार को बीआरएस पार्टी को डराने की जो कोशिश कर रही है, यहाँ कुछ भी फर्क नहीं गिरने वाला है। क्योंकि आज जो केसीआर साहब हो या कविता मैडम जी हो या बीआरएस का कोई भी सभी हो, हर कोई लीडर जो है तहरीक तेलंगाना में आंध्रा हुकूमतों से, जबकि है सो जब केंद्र सरकार से, जब कांग्रेस में है जो केंद्र सरकार से लड़कर तेलंगाना को हासिल करके लाए, जब भी केसेस लगाने की कोई केसेस लगाए, जब भी डराने की कोशिश करे, जब भी जो है बहुत हरासमेंट करने की कोशिश करे सियासती सतह पर, मगर कुछ भी एक पीछे कदम नहीं लिए, तेलंगाना को हासिल किए। आज जो पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार डर कर आज टीआरएस जैसा पूरे तेलंगाना में पूरी हर एक दिलों में छा गई है, कल पूरे हिंदुस्तान में बीआरएस पार्टी भी हर आवाम के हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बीआरएस पार्टी का एक मुकाम बनने वाला है, उसको देखकर डरकर आज बीजेपी सरकार कभी ईडी को भेजना, कभी सीबीआई को भेजने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से आज सीबीआई को यहाँ पर कविता मैडम के पास देखे, आज एक बार सोचते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से, आज दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार के अग्रनेताओं को मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग जो यहाँ कविता मैडम जी के पास जो आरोपण लगाकर सीबीआई को भेजे हैं, आप उनके कैरेक्टर के बारे में क्या मालूम है? आज कविता मैडम जी, एमएलसी कविता मैडम जी, जब एमपी थे निजामबाद के, आपको बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड आया था, और तहरीक तेलंगाना में भी उनका बहुत बड़ा किरदार था, कई उन्होंने त्याग दिया था तेलंगाना के लिए, कई कुर्बानियां दिए थे, और साथ ही साथ में इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने भी उनकी बहुत बड़ी योगदान है। आज उसे कविता मैडम पे आज इल्जाम लगाकर निहेसो केसेस में क्रिएट करके लाने की कोशिश कर रही है, मगर हम लोग किस बात पे भी हम कुछ भी डरने का बात नहीं है। आज टीआरएस पार्टी के हर सभी पर आज एक बीजेपी को एक आदत हो गई है, पहले बात से बोले सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ईडी, उसके पीछे सीबीआई, उसके पीछे आईडी, ये भेजना बीजेपी सरकार को आदत हो गई है। आज हमें बहुत दुखदायी बात कर रहा, दुखदायी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के जो आला एजेंसी से सीबीआई होने दो, ईडी होने दो, आईटी होने दो, इतने बड़े समस्त पर आज केंद्र सरकार का, आज बीजेपी सरकार का दबाव बनना बहुत ही तकलीफ देही बात है। क्योंकि एक टाइम में भरोसा था कि सीबीआई पर हो, आज सीबीआई पे हो, ईडी पर हो, आईटी पर भरोसा था, संविधान को बहुत ही बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज जो व्यवहारशाली बीजेपी कर रही है, इससे बहुत ही बहुत हर एक हिंदुस्तानी देख रहा है। क्योंकि आप महाराष्ट्र में बताते डराते हैं, कर्नाटक में डराते हैं, दूसरे दिल्ली में डराते हैं, कभी हिमाचल में डराते हैं, ये डराकर क्या करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में जमहूरियत को जो पूछने का हक है उसे डर रहे हैं। यहाँ पर सीधा दिख रहा है, केसीआर साहब की शख्सियत जब दिल्ली में जाएगी तो उससे डरकर आप उनके फैमिली मेंबर पर, उनके घर के लोगों पर ऐसे बिना बेबुनियाद इल्जाम लगाकर नीहें सो क्रिएट कर पर्सनल उनके इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर कुछ डैमेज नहीं होगा। आज तेलंगाना की आवाम कविता मैडम के साथ ठहरी हुई है, आज तेलंगाना की आवाम केसीआर साहब हुकूमत साहब के साथ में, साथ ही साथ में यही बीआरएस पार्टी आने वाले दिनों पर दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की आवाम में अपना एक जगह मुकाम पैदा करेंगी। आज बीआरएस को देखकर बीजेपी डर रही है, आज बीआरएस को देखकर बीजेपी के लेडा नेता डर रहे हैं। क्योंकि आज ईडी हो या सीबीआई हो, आज राष्ट्र में एक आरोपण, कोई राष्ट्र पे आरोपण लगता है तो पहले वो समस्त बात करना चाहिए, मगर वहाँ बीजेपी लीडर बात करते हैं, बीजेपी लीडर बात करने के बाद सीबीआई एंटर होती है, ईडी एंटर होती है, ईडी एंटर होती है, आईटी एंटर होती है, मतलब एक जो केंद्र में एक निष्पक्ष जो एजेंसी है उसकी बात कैसा बीजेपी लीडरों को जा रही है, तो यहाँ पर निष्पक्षता है ही नहीं, पक्षपाती है पूरा यहाँ पर मालूम हो रहा है।
तो यहाँ पर जो भी कितना भी कोशिश करे, निहाय से बात को आने की कोशिश करे, हर कुछ भी करने की कोशिश करे, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ आज तेलंगाना की आवाम, बीआरएस पार्टी, केसीआर सबके साथ में है, और आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में बीआरएस पार्टी का परचम लहराएगा।